शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं तवांग वॉर मेमोरियल्स में वॉर मेमोरियल का शो देखने, जो 30 मिनट्स के होते हैं और टिकट प्राइस होता है 50 रुपये करके, 50 रुपीज़, और ये शो इंडियन आर्मी की तरफ से दिखाया जाता है। हालांकि अभी 6:30 बज रहे हैं और इन्होंने ये बताया है कि अगर सीट्स खाली रहेगा तभी हम लोग को जाने देंगे, अगर नहीं खाली रहेगा तो वो हमें 7 बजे के शो में शिफ्ट करेंगे। बट तभी हम लोग वो 7 बजे के शो में शिफ्ट होंगे जब उसमें और भी पीपल रहेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो अपडेट रहिए, हम आपको अंदर में जो शो होगा वो दिखाएंगे जरूर। तो अभी हमें इसी शो में जगह मिल गया है, मतलब कोई आ नहीं रहा था तो हमें उन लोगों के सीट में दे दिया, अच्छा ही चीज है। शो शुरू हो चुका है। इधर इस शो में आपको दिखाया जाएगा कि इंडिया चाइना वॉर में 1962 में इंडियन आर्मी ने किस बहादुरी से लड़ाई की थी। बहुत सारा असुविधा थी हम लोगों के इंडियन आर्मी के पास, तब इंडिया तो नया नया स्वाधीन हुआ था, ज्यादा बग भी नहीं हुआ था, इतना हम लोगों के पास चाइना के जैसा मतलब क्या आर्मी का पावर नहीं था। तो फिर भी हम लोगों के इंडियन आर्मी ने अपने देश को झुकने नहीं दिया, किस बहादुरी से लड़ाई की थी वो सब दिखा रहा है। आप लोग देखिए पूरा शो। यहाँ के मठों से आते बौद्ध भिक्षुओं के मंत्र जाने कितने गुमराहों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। अमन यहाँ का एक छत्र राजा है और प्रगति और समृद्धि इसके दरबारी। अमन यहाँ का राजा है क्योंकि इसकी निगहबानी हम करते हैं, हम इसके प्रहरी हैं, हम यानी कि तवांग में तैनात हिंदुस्तानी सैनिक, हम यानी जज्बे और बहादुरी के वो पुतले जिसके रोम रोम में बसा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और सिर्फ हिंदुस्तान। दशक में ये तलखी अपने परवान पर उस समय आ गई जब तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा अपने प्यारे वतन पर चीन के अधिपत्य को चुनौती देने की वजह से चीन की आंखों की किरकिरी बन गए और चीन के कहर से बचने के लिए उन्होंने भारत में पनाह मांगी। सदैव सत्य और न्याय का प्रस्तार रहा उदार मान भारत, सत्य के खेमे में खड़े अपने शरणागत को कैसे निराश करता। भारत ने दलाई लामा को अपनी जमीन पर शरण दे दी। भारत ने वो किया जो न्यायोचित था, पर चीन ने भारत पर अमेरिका के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते की शक्ल में चीन के साथ दल के रिश्ते की तुरपाई करना चाहे। उसी नियत से उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी बुलंद किया। चीनी प्रधानमंत्री चाओ एनलाई ने नेहरू की इस पहल को एक सकारात्मक जवाब दिया, पर वो चीन का ऊपरी स्वांग भर था। अंदरूनी तौर पर चीन भारत पर हमला करने की गुपचुप तैयारी करता रहा और अंततः उसने भारत की पीठ पर खंजर उतार ही दिया। सन 1962 में चीन ने भारत पर औचक्के से आक्रमण कर दिया। भारत शांति और अहिंसा के प्रतिमूर्ति बुद्ध का देश था, तांडव करने वाले भीषण रौद्र रूप शिव का भी। बुद्ध के अनुगामी शांति के पैरोकार भारत ने भरसक कोशिश की कि मैत्रीपूर्ण संवाद के जरिए चीन के साथ विवाद का कोई शांतिपूर्ण हल ढूंढा जाए, पर चीन ने जब प्यार का प्रत्युत्तर छल बल से देकर भारत पर युद्ध थोप दिया तो फिर जगा भारतीय सेना की भुजाओं में बसा भारत का रुद्र। हुए युद्धों में हिंदुस्तान के हम रणबांकुरों ने
अभी शो खत्म हो गया है, इधर से आप लोग तवांग सिटी का वो देख सकते हैं, नाइट व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और अभी हम लोग आ गए हैं मेमोरियल में, मतलब वॉर मेमोरियल में। इधर आप लोगों को दिखाया मतलब है कौन कौन वीर गति को प्राप्त हुए थे 1962 वॉर में, उन सब का नाम वगैरह लिखा हुआ है, सब डिटेल्स में लिखा हुआ है। ये देखिए सब दीवारों पे हम लोगों का, मेरे शायद 2400 हम लोगों का सैनिक वीर गति प्राप्त हुए थे, उन लोगों का नाम वगैरह लिखा हुआ है इधर, तो आप लोग देखिए दीवारों में सब नाम लिखा हुआ है उनके यादों में, मतलब उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इधर वॉर मेमोरियल को। हम लोगों का जितना भी शहीद हुए वीरगति को प्राप्त हुए लड़ाई में, तो मतलब सबका वो नाम लिखा हुआ है इधर, कौन से रेजिमेंट से है वो लोग, क्या पोस्ट था, कौन है, नाम सब लिखा हुआ है। कुछ कुछ जगह अरुणाचल में, मतलब जो अभी पास में ही है, उन लोगों का नाम तो हम लोगों का वीर गति में प्राप्त हुए शहीद जवानों के नाम पे रखा गया, कुछ एक दो जगह का नाम। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने होम स्टे के लिए। तवांग टाउन में अगर कोई होटल वगैरह मिला तो वही डिनर कर लेंगे, अगर नहीं मिला तो होम स्टे में जाके ऑर्डर देना पड़ेगा। अभी तो 10 10 बज गए, अभी टाउन बंद हो चुका है क्योंकि इलेक्शन था, इलेक्शन का टाइम है, तो इसलिए जल्दी जल्दी बंद कर रहे हैं लोग। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग अभी होम स्टे में जाएंगे, अगर इधर कोई नहीं मिला तो खाने के लिए कुछ मिले, मोमोज वगैरह अगर कुछ मिल जाए तो भी हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।